नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मायावती का मोदी पर हमला, कहा ये आर्थिक आपातकाल है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार पर 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों की वैधता समाप्त करके देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी जैसा वातावरण पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल के अपने कार्यकाल में अपना पूरा बंदोबस्त करने के बाद जनता में त्राही त्राही मचाने वाला ये कदम उठाया। मायावती ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख अपनी कमियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए इमरजेंसी लगाने जैसा वातावरण पैदा किया है, जिससे देश में 90% लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद लोगों में ये चर्चा है कि केंद्र ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में अपना और अपनी पार्टी की आर्थिक मजबूती का सारा बंदोबस्त कर और पूंजीपतियों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने के बाद आम जनता को परेशान करने का ये कदम उठाया है। जब ये पूरा काम हो गया तो उनको काले धन की याद आई। बसपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले गरीबों के बारे में नहीं सोचा और इस फैसले से काला बाजारी बढ़ गई है। कुछ देर के लिए पेट्रोल पंप्स पर लूट हुई, अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर लोगों को भारी परेशानियां हुई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान गरीबों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को हुआ। भाजपा का वोट बैंक वे गरीब लोग नहीं है। जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा एंड कंपनी को इसकी सख्त सजा देगी। जो तस्वीर उभरी है उससे पूरे देश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मायावती ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों की वैधता खत्म किए जाने को लक्षित हमला बताकर प्रधानमंत्री मोदी की अंधभक्ति कर रहे हैं। लक्षित हमले पर क्षेत्र सीमित और लक्षित होता है। अगर देश के 500 या 1000 बड़े पूंजीपतियों के यहाँ एक साथ छापेमारी होती तो इसे काले धन के खिलाफ लक्षित हमला माना जाता और जनता भी इसकी सराहना करती। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारतीय उच्चायोग के 2 और अधिकारियों ने पाकिस्तान छोड़ा। बरेली में जलाया करोड़ों का काला धन। कानपुर में कंटेनर वाहन वैन से टकराया, 7 बैंक कर्मियों की मौत। काले धन पर नकेल से असम में 2 की मौत। और बारामूला में सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम, 1 आतंकवादी ढेर। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। लगातार ताज़ा खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।